हेलो किड्स, चलिए आज हम सीखते हैं कि किस तरह से हम थ्री लाइन बुक में अल्फाबेट्स ट्रेस करेंगे। ऑल्सो आई विल स्पीक इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ सो दैट आपको समझ भी आए और आप इंग्लिश सीख भी सके। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट अल्फाबेट ए। सो वी मेक अ लाइन लेफ्ट टू डाउन, राइट टू डाउन and this sleeping line. Now always remember, ये जो sleeping line है ना A की, इस line को हम line से थोड़ा सा नीचे बनाते हैं. This is not on the center line. हम center वाली line से थोड़ा सा नीचे बनाएंगे. The next is the small a. हम एक ऐसे C बनाएंगे और एक line draw करेंगे नीचे की तरफ. This makes it the capital A and the small a. The next alphabet that we will write is B. B ke liye we will draw one straight line and then one curve and the next curve. Alphabet B se sare alphabets jahan judenge will be your middle line. This is your first line, second line, third line. So aapki second line par judenge. So this is your B. The next is small b. You make a straight line and a curve. Ulta C banayenge hum. A straight line and a C. The next is C. So we make a curve like this. The small c will be the same C but half the size. Is C se iska size half hoga. Ye top line se shuru hota hai. Ye middle line se shuru hoga. The next is D. We make a straight line from the top line to the bottom line and then we join it with ulta C. Ulte C se hum is line ko join karenge. The next is small d. Aap chota C banayenge aur uske baad is line se aap ise jod lenge. That makes it D. Always remember, बच्चे बी और डी में बहुत कंफ्यूजन करते हैं. सो रिमेम्बर, फर्स्ट इज उल्टा सी, देन इज सीधा सी. द नेक्स्ट इज ई. सो वी मेक, पहले तो वी विल मेक अ स्ट्रेट लाइन, फिर एक लाइन ऊपर, एक लाइन बीच की लाइन पर और एक लाइन नीचे. दिस मेक्स इट ई. स्मॉल ई के लिए वी विल मेक अ स्मॉल स्लीपिंग लाइन और उसके अराउंड हम बनाएंगे छोटा सी. सो दिस मेक्स ई. द नेक्स्ट इज एफ. आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, एक स्लीपिंग लाइन और बीच वाली लाइन पर हम करेंगे एक और स्लीपिंग लाइन जस्ट ऑन द लाइन. दिस मेक्स एफ. छोटे एफ के लिए हम एक छोटा ऊपर से राउंडेड कर्व बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन एंड सेंटर वाली लाइन पर स्लीपिंग लाइन. That makes it the capital F and the small f. अब हम बनाएंगे G. Big G के लिए हम पूरा C बनाएंगे और हम center line से नीचे, again not on the line, center line के नीचे हम इसे अंदर ले जाएंगे और एक छोटी सी डंडी नीचे बनाएंगे. This is G. So you have to remember that for A and for G, आपकी जो lines होंगी ये बीच वाली line से नीचे होंगी, not on the line. If parents are watching this, please note. Next makes small g. आप C बनाएंगे या O बनाएंगे छोटा, and then एक line जो middle line से शुरू होगी और bottom से भी नीचे जाएगी with a curve, that is G. Let's make H. One straight line, one sleeping line on the middle line and a straight line. इससे बन जाएगा हमारा H. Let's make the smaller H. One straight line and उल्टा U. छोटा U बनाएंगे मगर हम उल्टा बनाएंगे, half the size. Next is I. Now I के लिए बहुत सारी schools आपको कहती हैं कि I is just one line. ये I भी सही है. और अगर आपको ये टॉप लाइन
और बॉटम लाइन के साथ बनाना है तो ये आई भी सही है. सो देर आर टू वेज ऑफ राइटिंग आई, वन इज दिस एंड वन इज दिस, बोथ आर करेक्ट. छोटा आई बनाने के लिए हम एक छोटी लाइन बनाएंगे एंड अ डॉट, दैट्स इट. आई जे, जे के लिए अगेन हम पहले टॉप वाली लाइन बनाएंगे, देन अ स्ट्रेट लाइन और हम इसे कर्व कर लेंगे. अगेन कई स्कूलों में जे सिर्फ ऐसे होता है, कई स्कूलों में जे सिर्फ ऐसे होता है. लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए दोनों जे ही सही है. जे देन आप आई ही बनाएंगे, उसको नीचे पुल कर लीजिए एंड अ डॉट, दिस इज आवर स्मॉल जे. नेक्स्ट इज के. कैपिटल के के लिए हम पहले एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, फिर हम एक लाइन बनाएंगे जो सेंटर पे मिलती है और फिर उसी लाइन को हम नीचे लेंगे. सो दिस मेक्स आवर कैपिटल के. फॉर द स्मॉलर के हम एक स्ट्रेट लाइन तो बनाएंगे, पर हम ये जो लाइन है ये हाफ साइज की बनाएंगे, सेंटर से शुरू करेंगे और नीचे के. द नेक्स्ट इज एल, वन स्ट्रेट लाइन एंड वन स्लीपिंग लाइन. ये हो गया कैपिटल एल. स्मॉल एल इज जस्ट वन स्ट्रेट लाइन. कुछ लोग इसे ऐसे नीचे से थोड़ा सा राउंड कर देते हैं, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. एल. एम इज, हम एम के लिए हम नीचे से शुरू करेंगे, ऊपर से नहीं, नीचे से ऊपर एक लाइन, देन दिस, देन दिस, देन दिस. ये बन गया हमारा एम. अब कई लोग हमारा एम पूरा ऐसे नीचे से करते हैं और कई लोग एम ऐसे हाफ वे करते हैं, ऐसे इस लाइन तक, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. सो एम के भी दो प्रकार हो सकते हैं, बोथ आर करेक्ट. स्मॉल एम बनाएंगे, अ स्ट्रेट लाइन, एक छोटा उल्टा यू, एक और छोटा उल्टा यू, दिस मेक्स आवर स्मॉल एम. नेक्स्ट इज एन. एन नीचे से ऊपर, फिर नीचे एक लाइन, फिर ऊपर एक लाइन, दिस मेक्स आवर कैपिटल एन. स्मॉल एन इज हाफ ऑफ एम, एक स्ट्रेट लाइन और उल्टा यू, ये बन गया हमारा एन. नेक्स्ट इज ओ. ओ को हम हमेशा ऊपर के सेंटर से शुरू करेंगे. ओ ऐसे शुरू कीजिए एंड पूरा राउंड एंड स्टॉप. ओ. स्मॉलर ओ, वही चीज हम हाफ द लाइन से शुरू करेंगे, नीचे ऊपर, हो गया ओ. नेक्स्ट इज पी. आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और ये उल्टे कर्व को खत्म करेंगे एग्जैक्ट आपकी मिडिल लाइन पर. पी. स्मॉलर पी के लिए आप हाफ द लाइन से शुरू करेंगे और इस लाइन को नीचे ले जाएंगे एंड उल्टा सी. पी. नेक्स्ट इज क्यू. अगेन आप पूरी तरह से बड़ा ओ बना लेंगे और एक छोटी सी लाइन एट द एंड बनाएंगे, दैट इज क्यू. छोटे Q के लिए आप पहले एक C बनाएंगे छोटा, लाइन नीचे पुल करेंगे और एक ऐसी डंडी ऊपर ले जाएंगे, दैट मेक्स इट Q. द नेक्स्ट इज R. पहले हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, इसे बिल्कुल P की तरह बनाएंगे और हम एक लाइन नीचे खींचेंगे, दिस इज R. R. स्मॉल आर, अगेन एक स्ट्रेट लाइन और हाफ ऑफ एन, आप ऐसे ऊपर ले जाएंगे कर्व और छोड़ देंगे, दैट इज आर. एस के लिए हम पहले एक सीधा सी बनाएंगे इन द टॉप हाफ, मिडिल लाइन पर खत्म करते हुए एंड देन उसको ही उल्टा कंटिन्यू करेंगे, एस. द स्मॉल एस इज द सेम एस मगर हाफ द साइज, एस. नेक्स्ट इज टी. हम एक स्लीपिंग लाइन बनाएंगे और एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे. स्मॉलर टी के लिए हम एक स्टैंडिंग लाइन पहले बनाएंगे, उसके नीचे एक छोटा सा राउंड बनाएंगे कर्व, एग्जैक्ट सेंटर पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट इज टी. यू के लिए हम ऐसे पूरा नीचे से ऊपर कर्व एंड अगेन, ये एक ही स्ट्रोक में बनेगा, अप टू डाउन कर्व एंड अप,
छोटे यू के लिए वी विल डू द सेम थिंग, एक यू बनेगा हाफ द साइज और ये हम लाइन नीचे खींचेंगे फिर से वी टॉप टू बॉटम फिर ऊपर, ये बन गया वी। छोटा वी वही है मगर हाफ द साइज। डब्ल्यू हमारा अप टू डाउन, अप डाउन अप। अब डब्ल्यू में ये आप ऊपर तक ले जाएं तो भी ठीक है, हाफ द साइज ले जाएं तो भी ठीक है, आइडियली फुल हो। छोटा डब्ल्यू अगेन द सेम मगर हाफ द साइज। एक्स लेफ्ट टू राइट की लाइन फर्स्ट, राइट टू लेफ्ट की नेक्स्ट, ज्वाइन होगा एट द सेंटर। सेम छोटा एक्स हाफ द साइज। इसकी जगह पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी लिखते हैं विच इज ओके। द नेक्स्ट इज वाई। आप पहले ये लाइन बनाएंगे यहां तक फिर राइट से एंड देन ज्वाइन। कई बच्चे y ऐसा लिखते हैं, कुछ बच्चे y ऐसा लिखते हैं, बोथ आर करेक्ट, दिस इज द करेक्ट वे, ये भी चलता है। इस तरीके का y बनता है स्मॉल y में, तो आप या स्मॉल y ऐसे बना लें या फिर आप स्मॉल y ऐसे बना लें, बोथ आर करेक्ट। द नेक्स्ट इज z, टॉप से फिर स्लांटिंग लाइन फिर बॉटम लाइन। इसी जी का हम छोटा जी बनाएंगे विच इज सेम बट हाफ द साइज। दिस कंप्लीट्स आवर अल्फाबेट्स। नाउ ये आप सारी स्कूल टीचर्स जैसे सिखाते हैं वैसा सिखा सकते हैं, बट इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो डू प्रैक्टिस, बच्चे देख रहे हैं तो डू प्रैक्टिस। Thank you so much for joining us. Bye-bye.